आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान, आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज सुबह की सुबह मैं आपको जो है बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि भाई जितने भी आप बच्चे हो आप सभी की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। आप इतने ज़्यादा उतावले मत हो कि भाई कोई भी कुछ भी कमेंट किया जा रहा है कि कब आएगी कब आएगी। जैसे आपने कल देखा, कल छुट्टी के दिन भी इतने सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आई कि मतलब देख के जी जो है वो खुश हो गया। बहुत से मैसेज जो है वो आ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आज किन किन बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो आनी है। तो देखिए ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस पहले मैं कर लेता हूं, कुछ चीजें आपको मैं समझा देता हूं जो आपको बहुत जरूरी है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा। अगर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो भाई आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहां पे कल भी 1400 कमेंट थे, तो मैं बताओ इतने कमेंट का कहां से रिप्लाई करूं। सबसे पहली बात, जिस भाई का भी स्कॉलरशिप का चाहे उसने नंबर दिया या नहीं दिया SBI अकाउंट का, वो अपना SBI अकाउंट जाके चेक कर ले, क्योंकि कल एक और इंफॉर्मेशन आई थी। एक लड़का मुझे बता रहा था, अगली वीडियो में मैं आपकी उससे बात करा दूंगा, अभी तो सुबह का टाइम है, शायद सो रहा हूं, पर उसमें उसने बोला था कि मेरी स्कॉलरशिप SBI में आई है और SBI का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर आपकी स्कॉलरशिप आपका भी अकाउंट जो है वो SBI में है तो अपना अकाउंट जो है वो जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप आ रही है ना भाई SBI में नहीं मतलब SBI में स्कॉलरशिप आपकी जा रही है क्योंकि आधार लिंक है उससे। और क्या हो रहा है कि उसका अकाउंट का जो मैसेज आता है ना कि भाई आपके क्रेडिट हुए या नहीं हुए, वो मैसेज जो है वो नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जाके एक दोस्त ने चेक करी तो उसकी स्कॉलरशिप उसमें अकाउंट में पड़ी थी पर मैसेज उस पर नहीं था। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज सबके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर PFMS पर चढ़ना शुरू हो गई है, कब तक आएगी कब तक आएगी। जितने भी मेरे भाई PFMS वाले हैं जो कह रहे हैं कि भाई PFMS पर कब तक आएगी, आज उन सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। गारंटी की बात यह है कि अगर ना आए तो आप कमेंट करके कह सकते हो, या आपके लिए इसी बात पे एक स्टेटस मैं लगाऊंगा अपने इंस्टाग्राम पे और वो जाके स्टेटस आप देख लेना, वही स्टेटस जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कुछ लूट नजारे करके कुछ होगा, तो आप जाके उसको देख लेना। दूसरी बात क्या आती है कि SBI का एक तो वो नहीं आ रहा, दूसरा PFMS पे जितने भी चढ़े हुए हैं ना, एक बात सुन लो कि अगर भाई PFMS पे कोई भी अमाउंट आपका शो होता है तो आप घोड़े बेच कर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको जागने की भी, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 101% विदिन 2-3 वर्किंग डेज। ठीक है, ये वीडियो है भाई वो। और चलिए मैं जो है कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। और जितने मेरे भाई है ना इंस्टाग्राम पे पूछते हैं या मैसेज करते हैं, भाई देखो कोशिश करता हूँ कि सबके आंसर जो है मैं कर सकूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब देना बहुत ही जरूरी है। पहले तो मैं खुशखबरी ये दे दूं कि सबके सब जितने भी मेरे भाई जितनों ने भी कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, ज्यादातर लोगों ने, सबकी ही स्कॉलरशिप जो है वो आ चुकी है। या तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, उस पर कमेंट जो है ना भरे मिलेंगे जहां पे लिखा होगा कि मेरी भी आ गई है मेरी भी आ गई है। चलिए पहला कमेंट जो है वो लेते हैं कि थैंक यू सर मेरी भी आ गई है 36,360 रुपए। दिखाऊं आपको, देखो देख रहे हो ये आ गई भाई। तो बिल्कुल झूठ वाली बात नहीं है, जो भी बताऊंगा आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल न्यूज जो है वो दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। निखिल कुमार बोलते हैं थैंक यू सो मच सर मेरी आ गई है 36,360 रुपीज BEd सेकंड ईयर OBC। BEd के जितने भी स्टूडेंट है ना सारे सुन लो, आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो गई है आज। लगभग लगभग सबकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाएगी। किसी की नहीं आती तो रेगुलर मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं, अपडेट तो आपको कर ही रहा हूं। और 66 प्रीवियस ईयर में 66% है बट अदर अकाउंट में आई है, थैंक्स अ लॉट भैया। तो भाई बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट पढ़ के। तो इनकी मैं आपको बता दूं कि 60% 65% से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं तो उस सभी भाई जितने भी नंबर अगर 65% से ऊपर आते हैं अगर आपके भी है तो भाई आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर स्टूडेंट के 60% से कम है तो भाई मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिसकी 60% से नीचे स्कॉलरशिप आ गई हो, तो आपके बारे में भाई मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अगली बार से मेहनत करियो ताकि 65% से ज़्यादा मार्क्स आए और आप भी एक प्रायोरिटी कैंडिडेट हो स्कॉलरशिप लेने के। भाई फर्स्ट ईयर में आई थी क्या, फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी आई थी, ये तो सारी बात हो रही है। BEd फर्स्ट ईयर 34,740 प्लस सेकंड ईयर 36,380, मतलब सेकंड और फर्स्ट ईयर में दोनों में इनकी स्कॉलरशिप जो है आई है। कुछ गलतियां बताऊंगा कि गलतियां क्या है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले जाओ। ये बोल रहे हैं मेरी पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर फाइनल ईयर है और अभी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मेरा अकाउंट नंबर ऐड है बट NACI पर नहीं दिख रहा है उसमें नंबर। देखिए ऐसा है भाई
अगर आपका अभी दिखा रहा है नो रिजल्ट फाउंड या नो काउंट फाउंड ऐसा कुछ भी अगर दिखा रहा है तो आप बेफिक्र रहिए। 31 तारीख तक का टाइम दिया था ना आपको, 31 तारीख तक ये देखो कि 50% बच्चों की स्कॉलरशिप आ चुकी है जितनी मेरी वीडियोस देखते हैं, 50 से भी ज़्यादा की, क्योंकि कमेंट भरे पड़े हैं भाई। बाकी बात करें, शिवम बोल रहे हैं कि शिवम यादव बोल रहे हैं, सर मेरी स्कॉलरशिप आज होली के दिन 40,000 आ गई, आपने बहुत सपोर्ट किया है सर, आपके चैनल की वजह से टेंशन कम होती थी, थैंक्स सर सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट कुछ नहीं भाई, बिल्कुल यही है कि कोई दिक्कत ना मानो, अगर भाई है और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा, आप सबकी स्कॉलरशिप आओगी यार, कोई दिक्कत ना मानो। ये बोल रहे हैं, इन पर 20 कमेंट हो रहा है। शिवम यादव भाई, मेरे को भी यही टेंशन है कि मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है ना कॉलेज और ना ही समाज कल्याण विभाग को, मैं और मेरी बहन ने एक ही इनकम सर्टिफिकेट यूज किया है स्कॉलरशिप में, बहन ने दे दी एप्लीकेशन कॉलेज में बट मैंने नहीं दी, इसी का डर है और कॉलेज वाले बहुत हरामी हैं। चलो ये तो छोड़ दो, जो भी है, पर मैं आपको बता दूं कि गलतियां कहां होती हैं। गलतियां होती हैं ये कि जिस टाइम करेक्शन आती है, करेक्शन के टाइम वहां पे सस्पेक्ट 100% दिखा रहा 2 साल से, तो क्या होगा, आपको सिंपल क्या करना जाएगा कि अपने सस्पेक्ट को उसे सही करो, सही करने के बाद फाइनल प्रिंट निकाल लो, जो सस्पेक्ट में लिख रहा, चाहे यूपी बोर्ड एनरोलमेंट नंबर लिख रहा, चाहे एनरोलमेंट नंबर लिख रहा आपके कॉलेज का, रोल नंबर नहीं मैच हो रहा, वो सारी चीजों के PDF बनाकर और 2 फॉर्म में लेकर ना हार्ड कॉपी, वो जाकर अपने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में दे आओ कि सर ये पकड़ो, स्कॉलरशिप आनी चाहिए। अगर आपकी स्कॉलरशिप ना हो ना, तो जिसमें कुत्ता खाओ उसमें खिला दियो भाई, इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, ठीक है। तो अगर गलती खुद करते हो फिर कहां से सरकार कहां स्कॉलरशिप दे देगी, सरकार तो खुद मतलब आदमी बचता ही फिर कि यार इसकी ना जाओ, इसकी ना जाओ। और भाई भाई क्लास 12th का कब आएगा बताओ, क्लास 12th की स्कॉलरशिप भाई आ रही है, कोई दिक्कत ना मानो कि क्लास 12th की नहीं आ रही। और भाई मैंने BTC सेकंड ईयर सेमेस्टर में आधे आधे भरे थे जो कि गलत हो गया, अब मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्या करूं, प्लीज सोल्व माय प्रॉब्लम। भाई देखिए, अगर कुछ चीजें गलत होगी तो अब उन्हें सुधारने का टाइम तो शायद नहीं बचा, बाकी जाकर वो कह देना कि सेटिंग हो तुम्हारी, जाकर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जाकर कोई भाई भाई हो या कोई आप ऐसा मेंबर हो जो आपको प्रायोरिटी दे सके, जो आपका काम मतलब करा सके, जाके एक बार उनसे बात कर लो कि भाई ऐसे ऐसी बात है, मेरी गलती हो गई थी, उसका सुधार जो है वो करा दीजिए, शायद उसका सुधार जो है वो हो जाए। और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, इसमें आपको मैं सिंपली ये बताना चाहता था कि जितना बैंक है तुम्हारा, बैंक चेक कर लो, सरकार ने कह दिया कि भाई आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आएगी, जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उन सभी की आएगी, 60+ जिसके मार्क्स हैं उन सबकी स्कॉलरशिप जो है उनको दी जाएगी, आराम आराम से 15 तारीख तक दी जाएगी। फिर एक बात ये बतानी थी कि जो भी PFMS पर अगर शो कर रहा है आपका, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है PFMS पर अगर अपडेट होगी तो आपकी स्कॉलरशिप 101% आएगी, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है टेक्निकल मॉन्क करके, इसको भी जाके एक बार देखिए, अच्छा लगेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।